अहमद आप सतरीकाल नमस्ते दोस्तों, मैं हूं फरीद अहमद। आप देख रहे हैं गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो चैनल पे। आज हम लोग क्लासरूम में आए हैं। हमारे पास में कुछ होनहार स्टूडेंट है, हमारे फैकल्टी भी हैं, कुछ स्टूडेंट भी आए हुए हैं। ये सब न्यू कमर स्टूडेंट है जो कि अभी इन लोग का क्लास स्टार्ट हुआ है। ज्यादा दिन क्लास नहीं हुआ, हफ्ता 10 दिन का क्लास स्टार्ट हुआ है। तो इनसे जानेंगे, एक मोटिवेशन है, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, कुछ समझ में आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग हमारे स्टूडेंट से जानेंगे जो कि यहाँ पर अप्रोन पहन के खड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, व्यूअर्स लोगों को बताना चाहूंगा कि इन लोग का सिलेक्शन हो चुका है। ये फ्लाइट, अभी इनका फ्लाइट होने वाला है और सिलेक्शन हो चुका है। मेडिकल भी फिट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ में करीब 21-22 लड़के करीब इंटरव्यू दिए थे, इसमें से 12 लड़के का मेडिकल फिट हो गए हैं। तो उसमें से ये 4 लड़के जो है जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या सैलरी पे जा रहे हैं और इनको किस तरह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, हमारे व्यूअर्स लोग भी जानेंगे, हमारे स्टूडेंट लोग भी जानेंगे। सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? जी एमडी कामिल, बिहार से। बिहार से कामिल जी। और यहाँ पर कोर्स किए, क्या चीज का कोर्स किए? एसी टेक्नीशियन। तो आपका इंटरव्यू क्रैक कर गया, कौन सी कंपनी में हुआ? एफएमको में। एफएमको में जी। क्या सैलरी पैकेज क्या रही? सैलरी सर बेस्ट है। क्या सैलरी? 1600+300। नहीं, 1900। तो क्या क्वालिफिकेशन आपका क्या है? क्वालिफिकेशन मेरा ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ पे डिप्लोमा। ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ पर आके डिप्लोमा कोर्स किए एसी एंड एचवीएसी। जो सर जो का पढ़ाई है वो कितना कारगर रहा आपके लाइफ में? सर का जो पढ़ाई है काफी कारगर रहा, क्योंकि जो सर पढ़ाते हैं हमको तो यहीं से मोटिवेशन मिलता है। एसी को पढ़ेंगे, पढ़ना होता है, पढ़ के इंटरव्यू यहीं से करेक्ट करना होता है। और हमारे कोर्स से रिलेटिव जो भी वीडियो या कुछ भी जहाँ से भी मिले हम उसको पढ़ना है, क्योंकि इंटरव्यू में वही पूछता है, उसे रिलेटिव यूट्यूब से भी कुछ क्लू मिल जाता है। मतलब आपका मोटिवेट रहा है कि मेरे को इंटरव्यू यहीं से निकालना है, तो वो आप क्रैक करें। हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग जो भी चीज जहाँ से भी मिल रहा है उसको पढ़ना है। सर जो पढ़ाते हैं उसको तो पढ़ना ही है, पहले पैच जो सर पढ़ाते हैं उसको पढ़ना है, बाकी जो भी जहाँ से मिले उसको पढ़ना है। हमारा होना फोकस होना चाहिए कि हम इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे उसको बताए। अच्छा, आप यहाँ बहुत दिन रहे, यहाँ पर कोर्स किए, कोर्स के दरमियान क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, खास करके इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए कितना इंटरव्यू दिया सर? मेरा तो फर्स्ट में हो गया। फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक कर गया, माशाल्लाह। फर्स्ट में मेरा हो गया, लेकिन मुझे भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरा फर्स्ट में होगा, क्योंकि फर्स्ट में अक्सर किसी का होता नहीं है, या होता भी है तो किसी का मेडिकल फिट नहीं होता, किसी का लेटर नहीं आता है, सैलरी कम रहता है, या सैलरी कम रहता है। लेकिन जिसमें मैं इंटरव्यू दिया, माशाल्लाह, इसमें कंपनी भी अच्छी है, सैलरी भी सही लगाया और मेरा सब चीज सही। इंटरव्यू के अंदर में जो क्वेश्चन किया, क्या वो इसके अकॉर्डिंग सर ने जो पढ़ाया था उसी के अकॉर्डिंग आया या कुछ अलग? नहीं नहीं, अलग कहाँ से, अलग कहीं जो सर पढ़ाते हैं, जो हमारा सिलेबस होता है उसी के अंदर से पूछते हैं, अलग से क्या पूछेंगे। खुश है जी, माशाल्लाह खुश है। क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? मैसेज देना चाहेंगे, जो सर पढ़ाते हैं पहले तो सर को बात का फोकस करना है, उसके बाद ऐसा नहीं है किसी का भी वीडियो अगर सर डाल रहे हैं तो उसको देख के आ जाते हैं। जो सर भी कई बार रिपीट कर चुके हैं कि आप जो यहाँ आते हैं तो यहाँ क्लास करिए परमानेंट, या क्लास नहीं कर पाते हैं अब्सेंट कर दे, जैसे अभी सर बता रहे थे कि अब्सेंट बहुत करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे रेगुलर क्लास आइए, आप कभी कोई चीज सर बताया अगर क्लास नहीं आए तो आप छूट जाएगा। तो यहाँ पे आपको यानी कि फोकस अपने आप में रखिए कि आपका पैसा जिसमें खर्च हो रहा है, आपका समय जिसमें जा रहा है उसको फोकस कीजिए, बाकी सब सेकेंडरी है। जी मतलब जी जी ठीक, माशाल्लाह। हम दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप फ्लाइट करो, और यहाँ बहुत सारा दुआ है कि आप जल्दी, हम लोग सब मिलकर दुआ करेंगे, आप जल्दी से जल्दी फ्लाइट करो और ढेर सारा पैसा कमा, आपके नाम, आपके घर वाले का नाम, हमारी भी नाम रोशन करो। हमारे पास हमारे स्टूडेंट, आप थोड़ा इधर सामने आ जाइए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद सनोवर है, मैं बिहार से। बिहार से जी सर। क्या नाम बताया? मोहम्मद सनोवर। अच्छा, यहाँ जो कोर्स किए, जो क्या चीज का कोर्स किया? सर एसी एंड एचवीएसी टेक्नीशियन। बहुत सारा ट्रेड छोड़ करके एसी एंड एचवीएसी क्यों चूज किए? क्योंकि सर इसमें स्कोप ज्यादा, इसमें जॉब का ज्यादा सिलेक्शन का चांस रहता सर। और जब मैं यहाँ पर सर आया था, यूट्यूब से ही आया था, एक साल पहले से वीडियो देख रहा था, फिर मैं मन में सोच रहा था कि सर ये क्या है, नहीं है सर पैसा। क्वालिफिकेशन क्या सर? 12th। मन में बहुत सारा क्वेश्चन आती होगी जब एडमिशन लेने आएगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, अब पता नहीं मेरा पैसा डूब जाएगा, पता नहीं क्या फेक है कि ये सही है। तो अभी अपने आप को क्या पा सर? जब मैं एडमिशन ले लिया था तो रूम पे गया तो मेरा, लेकिन किसी का बात ध्यान नहीं देना, फॉरम बंद में पूरा कम। ऐसे लड़के लोग बोले रूम पे जाने सर, बोलते हैं बहुत सर, अच्छे के लिए बोलते हैं कि नहीं। 4 महीने में वो लोग क्या कुछ तो नहीं है, 1-2 घंटा क्लास करने का तो रूम पे जाके क्या बोलेंगे? बुराई करने के लिए जीटीआई है, हम लोग है, सर है, बुराई करते रहो, लेकिन बुराई के साथ साथ में अच्छा ही है कि आप क्वालिफाई करें। सर ये इसमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी सर, जितना थ्योरी क्लास करवाते हैं, थ्योरिकल क्लास बहुत स्ट्रांग होता है सर का, और उस पर पूरा फोकस करना है, और यूट्यूब से भी करें, मेहनत ज्यादा करना है। आप क्या कितना इंटरव्यू कराया सर? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट सर। फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया ये सर मेरा। ये कोर्स क्या लगा? सैलरी सर बेस्ट है, ठीक है सर, ठीक है।
नहीं सर उससे थोड़ा कम। माशाल्लाह ठीक है। और आप ये पूछना चाहेंगे कि आप गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्यों चूज किया? बहुत सारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट छोड़कर गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्यों चूज किया? सर मेरे को ये थोड़ा सा था, मेरे को भरोसा था सर इस इंस्टीट्यूट पे कि मेरा कुछ होगा इस वजह से। यस सर। अभी खुश है? जी सर। क्या बोलना चाहोगे व्यूअर्स लोग, क्या बोलोगे? आप लोग भी मेहनत करेंगे तो फिर अगर आपको जॉब करनी है तो फिर आप यहाँ आए और जॉब कर सकते हैं। टेंशन लीजिए, आपको अगर जॉब करना है, काम करना है, किसी कंपनी में जाना है, फ्लाइट करना है, गल्फ जाना है, तो आपको टेंशन लेना होगा। फ्री बैठने से नहीं मिलेगा। नहीं सर। ठीक है। यस। तो चलिए माशाल्लाह, आप दुआ करते कि आप भी जाओ, बहुत सारा ढेर सारा पैसा कमाओ। और आप? बालेंद्रोसा सिंह नाम है, मैं यूपी बाराबंकी जिले का रहने वाला हूँ। बाराबंकी। क्वालिफिकेशन क्या है? स्नातक है। स्नातक ग्रेजुएट। अच्छा, ग्रेजुएशन की आईटीआई भी की है? हाँ साथ में। आईटीआई कितना साल लगा आपको? 2 साल लगा था। क्या उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिला? बेनिफिट मिला था लेकिन उसमें हम फिर जाए नहीं, फिटर से थे तो गए नहीं, फिर यहाँ मोबाइल क्रेन के लिए। तो सदाब सर करने के बाद जॉब वगैरह के लिए ऑफर मिला कुछ ऐसा? नहीं सर, ऑफर तो नहीं मिला था, खुद खोजना पड़ता है। यहाँ पर आप एक मामूली पैसा खर्च करके कम समय में कोर्स करके आपको जॉब का ऑफर मिल गया, बहुत खुश है सर। जीटीआई के बारे में क्या बोलना? जीटीआई बेस्ट है सर। बेस्ट है? कैसे बेस्ट है सर? जॉब मिल जाता है, आदमी मेहनत करेगा तभी मिलेगा। आप सर पढ़ाते हैं उस पर ध्यान दीजिए, फोकस दीजिए, है तो उसके बाद तो जॉब मिलना ही है, ध्यान रहेगा तो पढ़ने पे। बहुत सारा इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में, करीब 52 इंस्टीट्यूट है, छोटी बड़ी अच्छी इंस्टीट्यूट करके 52 इंस्टीट्यूट है, सबको छोड़ करके गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या दिमाग में आ गया, यहाँ क्यों लिए? अपडेट मिलता रहता है यूट्यूब के थ्रू सर जी। अपडेट मिलते रहता है? हाँ। क्या चीज का? सबसे यही मतलब वैकेंसी का, जॉब का, पढ़ाई वढ़ाई का, हर चीज का मिलता रहता है। यही सबसे बड़ा मार्गदर्शन। कौन सी कंपनी में हुआ? मैं FEMCO सऊदी। सैलरी वही है? 19। बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए? नहीं नहीं ठीक है सर, पहली बार ठीक है। जो सर पढ़ाए उस पर फोकस दीजिए, इधर उधर फोकस न डालिए, ऑटोमेटिक 2-3 महीने में सिलेक्शन हो ही जाएगा। पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, फोकस अच्छा घर पे जाना ही है। तो आप पढ़े इसलिए आपका हो गया। हां सर, खुश है? बहुत खुश है। अच्छा थोड़ा इंटरव्यू के बारे में पूछेंगे कि जब आप इंटरव्यू में गए अंदर में, क्लाइंट आपको क्या क्या क्वेश्चन किया थोड़ा बारे में? क्लाइंट ये HVC के बारे में पूछा था और बाकी टूल्स के बारे में पूछा था। और पहले से नॉलेज था या सर पढ़ाए? सर पढ़ाए तभी तो नॉलेज आया, पहले से नॉलेज होता तो यहाँ क्यों आते सर जी। माशाल्लाह। और क्या हुआ, कितना भीड़ था, कितना कब कब गए और क्या इंटरव्यू में कितना समय लगा? समय तो सर बहुत लगा, सुबह 8 बजे आए थे, शाम को 6 बजे इंटरव्यू दिए थे। याद रखिए सुबह ये 8 बजे गए थे। तो हमारे इनसे स्टूडेंट से पूछेंगे कि आप इंटरव्यू में जब गए सुबह 8 बजे गए बिना खाए पिए 8 बजे गए? हाँ मतलब यहाँ बुलाया जाता है, जब नंबर नहीं आ रहा है तो फिर जाते थे रूम पे घूम। इंटरव्यू यहाँ है करके, कहीं इंटरव्यू है करके कैसे पता चला था? नहीं इंस्टीट्यूट से पता चल गया था। कौन सर बताया? सदाब सर। सदाब सर बताया कि इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू आया, आपको जाना है, तो आप पेपर वगैरह तैयारी किए, बायोडाटा वगैरह तैयारी किए, वहाँ पहुँचे। कितना देर में आया आपका नंबर? कितना देर में आया? शाम को आया था सर। शाम को आया था? क्या रुके थे या चले आए थे? नहीं घूमते टहलते रहते थे, क्या करें सर। तो यही वजह है कि आपको वहाँ रुकना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको कुछ खाना नहीं मिलेगा उस जगह में, हल्का फुल्का पानी बिस्किट पी करके आपको इंटरव्यू देना ही है, क्योंकि आपके तरह हजारों कई लड़के, 1500 लड़के वहाँ पर आए हो। कितने लड़के आए थे? बहुत लड़के आए थे सर, उस दिन बहुत बड़े थे, बहुत लड़के थे। तो चलो खुश है आप? माशाल्लाह। मैं दुआ करता हूँ कि आप खुश रहिए, इसी तरह से वहाँ जाके ढेरों सारा मेहनत कीजिए और मेहनत से पीछे नहीं हटिए, और ढेर सारा मेहनत कीजिए, कंपनी वाला आपको और भी हायर अथॉरिटी बनाए और आपको आप पेमेंट सैलरी वगैरह बढ़ाए। हमारे पास हमारे एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद एजाज आलम। कहाँ से हो? बिहार से, लखीसराय। पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक की है? डिप्लोमा की है मैकेनिकल से। मैकेनिकल से डिप्लोमा? यस सर। कितना साल लगा? 3 साल लगा था सर। क्या फीस वगैरह लगा था डिप्लोमा में? टोटल 3 लाख खर्च आया था मेरा। तो आगे कुछ रास्ता नहीं बना? यस सर, मेरा प्लेसमेंट हो गया था कॉलेज से, बट सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होता। हमने 2 साल जॉब भी किया था फरीदाबाद में। कितना सैलरी था? सैलरी हमारा 18,000 रुपए था। उतना टाइम है निकलने के बाद 18,000? सैलरी इंक्रीमेंट नहीं कर रहा था मैं बार बार उसको। 2 साल लगने के बाद सैलरी आगे नहीं बढ़ा? यस सर। इंक्रीमेंट कैसे दिमाग में आ गया, गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैसे आ गया? सर मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पे इसका, मैंने सर्च मारा तो मैं दिल्ली के ही मारा तो नहीं आया, तो फिर मैं देखा कि जमशेदपुर में इंस्टीट्यूट है गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि मतलब यहाँ से कोर्स करते के साथ साथ ही मतलब 4 महीने के अंदर प्लेसमेंट की भी 100% गारंटी देती है। नहीं नहीं नहीं, कोई गारंटी नहीं है, 0% गारंटी मैं देता हूँ। मेरा कई वीडियो में मैं बता चुका कि 0% गारंटी है। गारंटी सिर्फ उसके लिए जो बंदा पढ़ाई करेगा, जो बंदा सक्सेस होने के लिए जी उसका मनोबल बढ़ेगा, और 100% उसी का ही गारंटी है। वो तो डिपेंड खुद पे करता है, अगर जो कोई भी कितना भी पढ़ा दे घोल के कोई नहीं पिला सकता जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। मेरी कोई भी वीडियो में गारंटी मैं किसी में नहीं दिया, सब में 0% गारंटी दिया हूँ। तो ये आप मेहनत करोगे इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे, मेहनत नहीं करोगे
फोकस नहीं करोगे अपने लाइफ के लिए तो फिर कामयाब नहीं हो पाओगे, राइट? यस सर। कितना मेहनत किया? मैंने सर तो 2 महीने के बाद में जब फर्स्ट इंटरव्यू दिया था तो मेरा निकल गया था, लेकिन सैलरी 1400 रुपए था तो हमने नहीं गया उसमें। कितना इंटरव्यू अटेंड किया? हम 5 टोटल, ये मेरा 5वां इंटरव्यू था। तो बाकी 4 में क्या हो गया था? दो और मैं ऑलरेडी पहले क्रैक कर चुका था, 2 इंटरव्यू और नहीं निकला था, और ये फिर लास्ट में जो लगा निकला तो इसमें सबसे अच्छा सैलरी था तो इसमें हमने डन कर दिया। क्या अकॉर्डिंग सर जो पढ़ाए उसी के अकॉर्डिंग ही इंटरव्यू में निकाल पाए या कुछ पहले से नॉलेज था आपको? नहीं सर, मुझे एसी के बारे में नॉलेज नहीं था क्योंकि जिस टाइम मेरा एसी का क्लास चला था उस टाइम ऑलरेडी लॉकडाउन लग गया था। अच्छा। तो उस सेमेस्टर में हमारा एसी का क्लास नहीं हो पाया था, इसलिए मुझे कोई नॉलेज नहीं था। जो भी नॉलेज मिला था यहाँ सर जो पढ़ाए थे वही नॉलेज मिला था, और जो सर पढ़ाते उसी के अकॉर्डिंग भी इंटरव्यूअर भी क्वेश्चन करते, क्योंकि सर इतना पढ़ा देते हैं ना कि आप कोई सा भी इंटरव्यू आराम से इजीली फेस कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता है, बस डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। इंटरव्यू घुसने के लिए थोड़ा सा हेजिटेशन कुछ रहता है, कुछ डर रहता है? यस सर, यस सर, डर तो लगता है बट कोई दिक्कत नहीं, हैंडल हो जाता है। हमारे स्टूडेंट को और व्यूअर्स लोग क्या बोलना चाहते हैं? स्टूडेंट लोग को तो यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग भी आए तो 4 महीने के अंदर कोशिश कीजिए कि आप लोग भी मतलब यहाँ से कोर्स करते के साथ साथ आप लोग भी मतलब फ्लाइट करवा लीजिए, और जो सर पढ़ाते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा तो आप लोग का भी निकल जाएगा। अब व्यूअर्स को कहना चाहते हैं कि आप लोग आइए गर्ल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, एडमिशन करवाइए, और मेरे से कहिएगा तो मैं तो यही कहूँगा कि एसी एंड एचवीएसी ट्रेड चूज कीजिए, ये बहुत अच्छा ट्रेड है, इसमें स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें हर महीने क्या हर 2-4 दिन 10 दिन में वैकेंसी आती रहती है। अगर जो इस ऑफिस से भी मारे या अदर ऑफिस से भी मारे, हर जगह बहुत इसकी वैकेंसी आती है, तो आप लोग ये ट्रेड चूज करिए, बहुत अच्छा ट्रेड है। माशाल्लाह, मैं दुआ करता हूँ कि आप जाओ, ढेरों सारा मेहनत करो, बहुत सारा मेहनत करो, ढेरों सारा पैसा कमाओ, आपका नाम, आपका घर वाले का नाम, हमारे नाम, हमारे सर का नाम, गर्ल ट्रेनिंग का नाम रोशन करो, आपकी उड़ान हमारी पहचान बनेगी। हमारी तकिया कलाम है, आपकी उड़ान हमारी पहचान बनेगी। और हम लोग का और एक तकिया कलाम भी है, एक हाथ में सर्टिफिकेट, एक हाथ में जॉब। मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, खास करके मैं स्टूडेंट लोग को दिखाना चाहूंगा, ये जितने भी स्टूडेंट आए मैं इन लोग के लिए भी दुआ करूंगा, हमारे सर भी दुआ करेंगे कि इन लोग का भी इसी तरह से यहाँ पर कोर्स कंप्लीट होते होते इन लोग के पास में भी एक हाथ में सर्टिफिकेट और एक हाथ में जॉब का हाज है। और हमारे पास में सर हैं जो कि माशाल्लाह इनकी जितनी भी तारीफ किया जाए कम है, और सर गल्फ रिटर्नर भी हैं। तो सर बताइए कैसे खुशी मिलती है कि हमारे इस तरह का लड़के लोग जब यहाँ से क्वालिफाई करके जाते हैं तो कितनी खुशी मिलती है, और क्या आप लोग को घोल के पिलाते हैं जो कि इन लोग सक्सेस हो जाते हैं? वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने ये समझा और यहाँ पे हमें बोलने का मौका दिया, बड़ी खुशी होती है। और ये जब हम क्लासरूम में हमारे जो एकदम नए स्टूडेंट हैं, खास करके हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं, और जो हमारी जीटीआई की खूबसूरती आपके सामने हम लोग रखे हैं, यही हमारी खूबसूरती है कि इन लोगों का जॉब मिल गया और इन लोग बहुत जल्द फ्लाई करने वाले हैं सऊदी अरबिया के लिए। तो ऐसा लगता है कि इनकी कामयाबी तो 100% है, लेकिन इनके साथ हम लोगों का जीटीआई का भी कामयाबी है, हमारे सब स्टाफ का, जितने भी डायरेक्टर साहब, जितने भी फैकल्टी, सबका यहाँ कामयाबी इनसे मुनहसर है। तो ये बड़ी बहुत अच्छी बात है, और खास करके हम ये दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को और बताना भी चाह रहे हैं कि देखिए इन लोगों ने मेहनत करके अच्छी सैलरी में इन्होंने बहुत जल्द पढ़ते पढ़ते इन लोगों ने अपने कोर्स कंप्लीट किया और इन्होंने अपने जॉब का हासिल किया। तो आप लोगों की मैं यही सलाह दूंगा और यही इंस्ट्रक्शन दूंगा कि अकॉर्डिंग टू जब आप क्लास कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से पढ़िए, हर चीज़ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आए हैं, तो छोटी सी क्लास और छोटे से पीरियड में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए, हम आपके साथ हैं। और आप यही, बस लास्ट हम यही बोलना चाहेंगे कि बस आप यहाँ जल्द से जल्द खड़ा होने के, आखिरी सवाल कि हमारे जो न्यू कमर आए हैं, जो न्यू स्टूडेंट है, तो ये क्या चीज पे फोकस करें जो कि यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या चीज पे फोकस करें? फोकस यही करने के लिए, वो माइनस प्लस तो बहुत है, माइनस प्लस को प्लस को प्लस बनाना है, और माइनस को दूर रख के बस मेहनत कीजिए, हम जैसा बोलते वैसा कीजिए, तो मेरी पूरी गारंटी है, बाकी आपकी किस्मत 100%, आप यहाँ जल्द से जल्द आ जाइएगा। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे स्टूडेंट लोग के लिए भी दुआ करेंगे कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी अपने रास्ते में आ जाए, जो फोकस करने के लिए आए, जो सोच के यहाँ पर आए उस रास्ते पे चलने की कोशिश करें, इधर उधर की बात ना सोचे, इधर उधर का रास्ता में ना चले, जो काम के लिए आए हैं, जिस काम के लिए आप फोकस कर रहे हैं, जिस रास्ते में चलने के लिए आए हैं, जिस काम में आपका पैसा खर्च हो रहा है, जिसके लिए आप समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस काम में आप जल्दी से कामयाब बनने का कोशिश करें। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं,
जो बंदे नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि सबसे पहले इसी तरह से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो बंदे नए देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करने की कोशिश करें, अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप में, किसी पे भी आप भेजने की कोशिश करें। जो बंदे पढ़ लिख करके बैठे हैं, कुछ करने के लिए सोच रहे हैं हमारे स्टूडेंट की तरह, आप भी कुछ करने की कोशिश करें, हमारे गर्ल ट्रेनिंग से जुड़ा करके ज्वाइनिंग करने की कोशिश करें। इसी के साथ ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, जय हिंद।